ऑन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ। शुरू हो चुका है स्वाद सुर और जिंदगी। वेलकम किदा मेरी जान, कैसे हैं आप। एक हफ्ता खत्म हो चुका है और मैं आपके पास वापस आ चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते वादा किया था। आज बात हमारी कुछ अलग हटके होगी, नहीं स्वाद के बारे में बात जरूर होगी, लेकिन पहले जैसे मैं आपको बताती थी कि आपको इस जगह पर जाकर ये खाना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए, बहुत डिलिशियस है ये खाना, ये बहुत टेस्टी है, इसको जरूर ट्राई करके आना, लेकिन आज मैं आपको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी, क्या बताऊंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तब तक सुनते रहना पड़ेगा मुझे अगले एक घंटे तक। चिपक कर बैठ जाओ मेरे साथ, क्योंकि आज आपका बहुत सारा काम है और काम मुझे भी है क्योंकि मुझे बताना है। तो ठीक है, समझ आ गई। चलिए शुरू करते हैं आज का शो हमारे पहले गाने से। सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार, नैब इंडिया मुंबई की एक अनूठी पहल परफ्यूमरी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड, जिसमें दृष्टिबाधितों को रोजगार परक प्रशिक्षण के तहत फ्रेग्रेंस और फ्लेवर जैसे परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही बेसिक कंप्यूटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी समावेश किया है। इस प्रशिक्षण से सेवा योजन के विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए नैब इंडिया मोबाइल नंबर 9372766313 या 304 पर संपर्क कीजिए। ईमेल आईडी admin@nabindia.info।
आपका इंतजार है रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर। आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ, स्वाद सुर और जिंदगी चल रहा है। और आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज कुछ नया होने वाला है, बहुत ही खास कुछ होने वाला है, तो वो क्या होने वाला है मैं अभी आपके सामने बताने वाली हूँ। आज मैं आपको किसी भी खाने की जगह के बारे में नहीं बताने वाली। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो खाना आप खाते हैं और बहुत ही चाव के साथ खाते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ था, मतलब कि उसकी शुरुआत कहां, किसने कैसे करी थी। कुछ ऐसे आइटम्स के उत्पादन की कहानी मैं आपको बताऊंगी जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, मगर आई एम श्योर उस चीज की शुरुआत कहां से और किस तरीके से हुई थी ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना मेरी जान आपके लिए, मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से पकड़कर जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। वो हाल ही में ना एक मैंने ऐसी इंटरनेट पे कुछ सर्व कर रही थी तो एक आर्टिकल आया जिसमें ऐसे बहुत से कॉमन खाने के बारे में बता रखा था और उनके बारे में बताया था कि वो कब उसकी शुरुआत हुई थी, मतलब सबसे पहले कब, किसने उसको कैसे डिस्कवर किया था। तो मैं वो पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मेरे शो का फॉर्मेट अगर है स्वाद तो जरूर आपको पता होना चाहिए ना स्वाद की कहानियां। तो बस कुछ नहीं, आज मैंने अपने शो का कंटेंट ऐसे रखा है आपके लिए, तो ठीक है, एक एक आइटम के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आप उसे जरूर सुनना क्योंकि वो आपके कुछ फेवरेट आइटम्स में से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले फूड आइटम से, और मैं अभी आपको बताऊंगी बटर चिकन के बारे में कि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। अब बटर चिकन तो आपका फेवरेट पक्का होगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। वेजिटेरियंस डोंट वरी, मैं आपके लिए भी दूसरा आइटम लेकर आई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस अगर मैं बात करूँ तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बटर चिकन जो वो इतना फ्रिक्वेंटली खाते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे हुई थी। कुछ लोगों को बटर चिकन रोटी के साथ खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रुमाली रोटी के साथ खाना अच्छा लगता है, मगर मुझे पर्सनली बटर चिकन राइस यानी चावल के साथ खाने में बहुत मजा आता है। जी हाँ, मैं अजीब हूँ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मुझे चावल के साथ बटर चिकन खाने में बहुत मजा आता है। मुझे जरूर बताना कि आपको कैसे आता है। अच्छा, वैसे बटर चिकन कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी मैं आपको बताती हूँ। बहुत साल पहले यानी कि पार्टीशन से पहले, 1947 से पहले, जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही कंट्री थी, तब मोती महल डीलक्स करके एक रेस्टोरेंट था पेशावर में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के बाद ये रेस्टोरेंट आ गया इंडिया में,
और इंडिया में वो दिल्ली का हिस्सा बन गया। तो जब यहाँ पर वो ऑपरेट हो रहा था, एक रात की बात है, एक वीआईपी गेस्ट इस रेस्टोरेंट में आकर रुकते हैं और वो कहते हैं उस शेफ से कि मुझे कुछ चिकन का आइटम खाना है। वो कुछ चिकन खाने के लिए मांगते हैं। तो शेफ जी जाते हैं रात में अपने किचन में और वो देखते हैं कि क्या बचा हुआ है, कुछ है क्या। तो फिर वो देखते हैं अपने फ्रिज में चिकन तंदूरी, मतलब आधा बना बनाया चिकन तंदूरी उनके फ्रिज में पड़ा होता है। तो वो निकालते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसका क्या करूं। फिर वो और देखते हैं कि और क्या है उनके किचन में। तो फिर उनको पता लगता है कि उनके पास कुछ टमाटर है, थोड़ा सा मक्खन पड़ा हुआ है, कुछ स्पाइसेस है यानी मसाले पड़े हुए हैं। तो चलिए इसका कुछ बनाते हैं। तो फिर वो इन्हीं सब चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर इसी की एक डिश बनाते हैं। फिर वो सर्व करते हैं कुछ बना के, जिसमें उन्होंने बटर यानी मक्खन डाला होता है, टमाटर डाला होता है, कुछ ऐसे गर्म मसाले डाले होते हैं। ये सब का मिक्सचर, इन सब का मिश्रण करके उस चिकन के साथ वो एक डिश बनाते हैं, जो फिर वो उस वीआईपी गेस्ट को पकड़ाते हैं। बाद में पता लगता है कि ये वीआईपी गेस्ट एक जगह के राजा होते हैं, जिनको ये खाना बहुत ही लजीजदार लगता है और वो इस खाने को देते हैं थम्स अप, मतलब वो तो ना एकदम सल्यूट वो दे देते हैं। उनको वो काफी अच्छी लगती है वो डिश जो पहली बार उन्होंने बनाई होती है, और वो भी एक्सीडेंटली उस शेफ ने बनाया होता है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या बनाने जा रहा है, मगर वो कुछ अगर बना के लेकर आता है तो वो है बटर चिकन। तो बटर चिकन की शुरुआत ऐसी हुई थी। ये थी कहानी मोती महल डीलक्स, जो आपने काफी सुना होगा। मोती महल डीलक्स आपने बहुत सुना होगा, आपके शहर में भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये मोती महल डीलक्स वही ओरिजिनल मोती महल डीलक्स है। उसके नाम से अब काफी सारे खुल गए हैं, लेकिन जी हाँ, इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले बटर चिकन का उत्पाद हुआ था। तो यहां से बन के आया हमारे पास बटर चिकन। और अब बताओ कि आपको बटर चिकन कितना पसंद है, ये मुझे लिखकर जरूर भेजना। दूसरी डिश भी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, डिश नहीं एक फूड आइटम, जिसके बारे में आप जब भी सुनते हैं या जिसको आप कभी देख लेते हैं ना कि यहाँ पर वो चीज पड़ी हुई है, तो सबसे पहली चीज इधर उधर की छोड़ के आप अपना हाथ उसी चीज पर लेकर आएंगे, और वो क्या है, वो है पनीर। मतलब अगर पुलाव में आपको पनीर दिख जाए तो सबसे पहले आप पनीर खाएंगे, और भी कई सारी चीजों में अगर आपको पनीर दिख जाए तो सबसे पहले आप पनीर ही उठा के खाएंगे। मतलब जैसे पकोड़े पड़े हैं और आपको दिखता है पनीर का पकोड़ा, तो आप सबसे पहली चीज जाके पनीर का पकोड़ा खाएंगे। तो मतलब है, ये पनीर को लेकर हमारी एक अलग ही कुछ फेटिश है। खैर, पनीर की शुरुआत कैसे हुई थी, पनीर कैसे बना इस जीवन में, इसके बारे में भी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। पुराने जमाने में यानी एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं, तो मंगोलियन जब अपने ट्रैवल के लिए वो लोग निकलते थे, अपना पूरा कारवां लेके इधर उधर निकल रहे थे, तो वो अपने बैग में दूध कैरी करते थे। अब उनका बैग था चमड़े का बैग, तो जब वो दूध कैरी करके अपने चमड़े के बैग में घूम रहे होते थे, इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते थे, तो दूध गर्मी के कारण ना एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जब वो बहुत हार्ड हो जाता है, उसका टेक्सचर एकदम हमारे करंट पनीर की तरह बन जाता है, लेकिन तब वो पनीर पूरी तरीके से नहीं बना था। तो जब ये लोग देखते हैं कि अच्छा दूध का ये हाल हो गया है, तो उन्होंने उसी चीज को खाने में बनाने की कोशिश करी और फिर उनको मिला वहां से पनीर। इसकी एक और थ्योरी है जो मैंने पढ़ी थी, वो ये थी कि पनीर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में अफगान और ईरानियन ट्रैवलर्स ने। तो वो जब यहाँ पर आए थे, इंडियन कॉन्टिनेंट में आए थे वो लोग, अफगान और ईरानियन, तब वो पनीर को लेकर आए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पनीर हमें जहां भी दिख जाता है हमारा हाथ सीधे पनीर पर जाकर पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें हमें पनीर दिख गया तो भाई वाह ही वाह हो जाती है हमारी, मतलब उस पूरी चीज से फोकस करके पनीर पर चला जाता है। लेकिन हमें ये चीज बहुत पसंद है और इंडियंस की फेवरेट स्नैक में से एक है। किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, सोचो सोचो, नहीं रहने दो, मैं बताती हूं, समोसे के बारे में। अब आपको समोसा कितना पसंद है, हो सकता है कि आपने इस शाम समोसा खाया हो, लेकिन क्या खाते खाते आपने सोचा कि ये समोसा सबसे पहले कब बना होगा, नहीं सोचा, कोई बात नहीं, अब आप जरूर सोचेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये समोसा सबसे पहले कहां बना और किसने बनाया। सालों पहले, मतलब सालों के भी सालों से पहले, जब अलग अलग कंट्रीज के ट्रेडर्स आते थे इंडिया में अपना, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, वो अपने कंट्री का कुछ सामान लेकर आते थे और दूसरे देश जाकर बेचते थे, तो ऐसे ही सेंट्रल एशिया से कुछ झुंड आया था ट्रेडर्स का इंडिया में, और वो अपने साथ ना खाना कैरी करते थे। ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो उनको भूख तो लगेगी रास्ते में, तो वो अपने साथ खाना कैरी करते थे। लेकिन इतना सारा भारी भरकम खाना लेकर घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक इन्वेंशन
मेंशन किया कि वो उस खाने को ना उसी खाने के मात्रा को छोटा कर देंगे, मतलब उसका क्वांटिटी कम कर देंगे। तब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा के ट्रायंगुलर शेप में मैदे को गूंदा और उसमें मटन के पीसेस भर दिए और बहुत ही छोटे ट्रायंगुलर मतलब एकदम तिकोनी शेप में उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें मटन है अंदर, स्टफिंग है मटन की, और वो लेकर फ्राई किया और उसको कैरी करना शुरू कर दिया अपने साथ। और जब वो इंडिया आए तब उन्होंने इंडियंस को दिखाया, देखिए हमने नई एक डिश बनाई है जिसमें हम लोगों ने मटन डाला है अंदर और ये काफ़ी छोटा है क्वांटिटी वाइज, हम इसको इधर उधर लेकर घूम सकते हैं, ये हमारी भूख भी मिटा देता है। तो इंडियंस को लगा कि अरे वाह क्या चीज़ बनाई है इन्होंने, हम भी बनाएंगे। लेकिन क्या होता था कि ज़्यादातर इंडियंस उस समय वेजिटेरियंस होते थे, तो उन्होंने अपना वर्जन निकाला और उन्होंने मटन की जगह डाल दिया उसमें आलू या फिर दूसरे सब्जियां जो भी उनको मिलती थी, और ऐसे जन्म हुआ इंडिया में समोसे का। इसकी भी एक और कहानी है जो बहुत से फूड राइटर्स या फूड स्पेशलिस्ट जो होते हैं फूड कॉनिसियर, तो उन्होंने एक हमें थ्योरी बताई थी कि मिडिल ईस्ट ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था समोसा के नाम से 13th-14th century में। तो देखिए एक नॉर्मल सी चीज है जो आप रोजाना अपने जीवन में खा लेते होंगे, लेकिन उसकी कहानी कितनी जबरदस्त है इसके बारे में आप कम ही सोचते होंगे। थैंक यू जरूर बोलिएगा मुझे कि मैं आपके लिए इतना रिसर्च वर्क करके लेकर आई हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आप इन सब के बारे में जानें। और भी ऐसे 2-3 चीजें बची हुई हैं अभी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसकी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। That interrupting your music just like Moonscape interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind and I'm here to tell you that Sevlon antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. Thank you.
ऊंचे ये कूचे फुरबेज है, दिलचस्प भी है रस्ते दिल के। यकीन से ऊंचे ये कूचे और पेच है, दिलचस्प भी है रस्ते ये दिल के। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, मैं जो हूँ ना है दिल ने पुरानी सी हवेली में। हल्का हल्का खौफ भी है ये सीढ़ियाँ पुरानी और अकेली मैं। खौफ किसका मैं जो हूँ ना भर के हमको गोद में सुला देना तुम। सपनों के सांसों पन्ने नींद में लिखा करेंगे, पढ़ के सुनाएगा दिल, दिल से सुना करेंगे। मेरे दिल में चक्कर है रुकता नहीं है, कानों से बहरा है कोई बात सुनता नहीं है। दिल ही तो है, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ। शो चल रहा है स्वाद सुर और जिंदगी, और इसी के बीच में लेकर आ चुकी हूँ मेट्रो रेट्रो, जहाँ पर मेट्रो के माहौल में मिलता है रेट्रो का रंग। ये आपका फेवरेट सेगमेंट है ना इस शो का, मुझे पता है। वैसे ये ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ से भरी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ ऐसे गाने सुने जो वक्त को एकदम थमा दे। वो दौर जब आरडी बर्मन, किशोरदा, आशा भोसले, लता जी और भी कई ऐसे, मुकेश, मन्ना डे, इन सब के गाने सिर्फ रेडियो पर बजते थे और हम बैठे बैठे आंख बंद करके सुनते रहते थे। मतलब वो था मजेदार दौर यार। क्या क्या लिरिसिस्ट, क्या क्या कंपोजर्स, और
सिंगर्स तो बात ही क्या है इन सब चीजों की। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, अब मैं अपनी बातें बंद करती हूँ और चलाती हूँ आज का पहला गाना। सुनते रहे। रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
सांसों की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार कहा था ना मूड बन जाएगा आंखें बंद करके अगर इन गानों को सुन ले तो बस ऐसा लगता है कि उस दौर में कोई छोड़ आए और वहां से कोई बाहर ना निकाले। खैर आगे स्वाद की कहानियां बची हुई हैं, सुनते रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विजुअल इम्पैक्ट पर्सन की लाइफ को बना रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत बैक टू बैक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के साथ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स। जी हाँ, अब है आपके लिए मौका दुबई जाने का। डिस्काउंटेड रेट्स पर आप दुबई जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं। आपको पे करने होंगे सिर्फ 38,999 रुपीस 3 नाइट और 4 डेज के लिए। है ना ये सपने को साकार करने जैसा। इस कॉस्ट में आपका वीजा, न्यू दिल्ली से दुबई जाने और वापस आने के एयर टिकट्स, 2 डेज का दुबई में स्टे, 1 डे का अबू धाबी में स्टे, ऑल मील्स इंक्लूडिंग द सिटी टूर ऑफ अबू धाबी एंड दुबई, क्रूज, डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू और बहुत कुछ। जी ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले जो लोग थाईलैंड गए थे उन्होंने किया है, बहुत ही एंजॉय। हाय, माय नेम इज पीरव मोता। आई ट्रैवल टू थाईलैंड विद आरएसटीटी दिस जुलाई एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल मोमेंट। इट वाज एन इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग बाय माय सेल्फ। हाय, आई एम रविंदर गुप्ता। हमारा बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छे से हम घूमे फिरे वहाँ पे, काफी सारी एक्टिविटीज की और हमें जैन जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। Myself, Arun Chhabra. Rising Star के साथ जो थाईलैंड का ट्रिप था वो मेरा साथ ट्रिप था, हमने बहुत एंजॉय किया। Rising Star बहुत अच्छा काम कर रहा है VIs के लिए। तो चलेंगे ना हमारे साथ दुबई, ले लीजिए अपने ऑफिस से ऑफ
26 सितंबर से 29 सितंबर के लिए। ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर कराने के लिए कॉल कर सकते हैं 9811414952 पर या फिर ईमेल कर सकते हैं amitrstt@gmail.com। बढ़ाइए एक और कदम इंक्लूजन की तरफ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ लाइफ पर आप सुन रहे हैं स्वाद सुर और जिंदगी और स्वाद की कहानियां तो चल ही रही थी जो आप सुन रहे थे, जो मैं आपको सुना रही थी, मेरे साथ बैठकर आप सुन रहे थे। खैर, मैं आपको सुना रही थी कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे खाने के किस्से जिसको आप आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में आप खाते रहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि अरे सबसे पहले ये किसने बनाया होगा यार। मगर कोई बात नहीं, मैंने जैसा कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज जिसे आप खा रहे हैं उसका सबसे पहले जन्म कब, कैसे, कहां, किसने किया था, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अब हम बढ़ते हैं चौथी चीज की तरफ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीन चीजों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो ये चौथी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है इडली। मतलब इडली खाते खाते भी कभी नहीं लगता ना, अरे यार इडली ये पहली बार किसने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा राइस का कुछ होगा, चावल का ये चीज, हम इसको स्टीम करेंगे, इसको इस तरीके का आकार देंगे और फिर खाएंगे सांभर के साथ, चटनी के साथ। मतलब किसी ने नहीं सोचा ना, लेकिन हाँ इसके बारे में बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले किसी ने सोचा है, तभी ये चीज बनी है। अब क्या क्या कहानियां हैं इडली को लेकर मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले इडली उन 18 आइटम्स में से एक थी जो एक ब्रह्मचारी को सर्व किया गया था। साउथ इंडिया की कहानी है ये, जो एक औरत के घर पर गए थे अपने पूजा पाठ के लिए। तो उन 18 आइटम्स में से एक आइटम अगर कुछ था वो थी इडली। लेकिन ये कहानी तो तब होगी ना जब इडली पहली बार बन चुकी होगी। तो पहली बार इडली कब बनी थी? इडली को सबसे पहले बनाया था इंडोनेशिया के हिंदू धर्म के राजा के खान सामन ने, यानी कि उनके कुक ने। कब बनाया था? 800-1200 AD में, जब वो इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था स्टीमिंग मेथड, यानी कि भाप के द्वारा पकाई गई कुछ चीजों को उन्होंने इंडिया में लाकर इंट्रोड्यूस करा था, साउथ इंडिया में लाकर इंट्रोड्यूस करा था, तभी इडली साउथ इंडिया में ज्यादा स्पेशल मानी जाती। एक और कहानी है इसके पीछे, अगर हम माने तो जब अरब ट्रेडर्स इंडिया आए थे तो वो साउथ साइड गए थे और उन्होंने आविष्कार किया था राइस बॉल्स का। राइस बॉल्स माने तो चावल के बॉल्स, यानी कि चावल के गेंद, गेंद के आकार में वो चावल बनाकर लेकर आए थे और उन्होंने उन चावलों को, उन बॉल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, साउथ इंडिया में स्पेशली इंट्रोड्यूस करा था। और फिर जब साउथ इंडियंस ने देखा अच्छा ये चीज़ है, उनको पसंद आई, फिर उन्होंने सोचा चलिए इसको ना थोड़ा चपटा करते हैं, फिर उन्होंने चपटा किया और इसको नाम दिया इडली, और फिर उसको कोकोनट चटनी के साथ खाना शुरू किया, जिसके साथ इडली एकदम मस्त मक्खन लगती है, मानते हैं कि नहीं। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो इडली के साथ आप जरूर खाते हैं और उसकी एक अलग कहानी है, और उसको भूलते साथ साथ, मतलब मेरे दिमाग में आई वो चीज और मेरे को ना एकदम मुंह में पानी भर आया, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है और आमतौर पर इडली को उसके साथ ही खाया जाता है। क्या चीज है वो? क्या चीज है वो? सांबर। जी हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। तो सांबर की भी कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। मैं बताती हूँ कि सांबर का उत्पाद सबसे पहले कैसे हुआ।
अब जैसे कि हमने कहा कि इडली 800-1200 AD में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सांभर भी उसके आसपास हुआ था, लेकिन नहीं, सांभर थोड़ा रीसेंट टाइम में सबसे पहले बनाया गया था, 18th सेंचुरी की ही बात है। क्या हुआ था, एक मराठा के रूलर थे, एक मराठा के किंग थे, उनका नाम था शाहू जी, उनको अमती करके एक डिश बहुत पसंद थी और अमती में पड़ता था कोकम। कोकम एक तरीके का फल होता है, तो वो अमती में पड़ता था और जब भी उनका बस चले वो अमती खाते थे। मगर फिर उस समय कोकम की सप्लाई बंद हो गई, एकदम अकाल पड़ गया कोकम का और कहीं पर कोकम नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या करे। फिर उन्होंने सोचा कि वो एक नई डिश बनाते हैं, नया कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई तरीके की डिस्कवरी करते हैं, तो उन्होंने इमली का इस्तेमाल किया। इमली को उन्होंने तुअर की दाल और कुछ सब्जियां और कुछ मसालों के साथ इस्तेमाल किया और एक दाल किस्म की चीज बनाई, जिसको अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिया, सांभर उसका नाम कैसे पड़ा ये बताती हूँ मैं। तो जब उन्होंने ये डिश बना ली, फिर उन्होंने अपने कजन सांभाजी को ये सर्व किया और उनको कहा खा के बता कैसा है। फिर उन्होंने बताया, अरे वाह, ये तो एकदम चटपटी चीज, इतनी मस्त, कैसे बनाई है आपने, क्या नाम दे हम इसको। तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस डिश का नाम रख दिया। सांभाजी उनके कजन का नाम था और उन्होंने नाम रख दिया सांभर। वैसे ये सिर्फ एक कहानी है, दूसरी कहानी है एक और मराठा रूलर की, जिनका नाम था शिवाजी और उनके बेटे का नाम था सांभाजी। तो सांभाजी ने सबसे पहले सांभर बनाया, कैसे बनाया, उनके जो शेफ थे, उनके जो खानसामन थे, वो उस समय राजमहल में मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने सोचा आज खाना हम बनाएंगे। तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और दाल में उन्होंने ऐड कर दी इमली और सोचा कि इसको बना के देखता हूँ कि क्या बनता है। तो फिर बना कुछ, और आमतौर पर इमली दाल में पड़ती नहीं थी, तो उन्होंने डाल दिया और उनको वाकई में वो चीज खाने में बहुत अच्छी लगी और वो इतना प्राउड हो गए कि अपने ही नाम के पीछे उन्होंने उस डिश का नाम दे दिया, जो कि था सांभर, सांभाजी से सांभर। तो ये थी कहानी सांभर की। एक और डिश बची है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये तो डेफिनेटली आपकी फेवरेट डिश है। इसके बारे में मैं आपको हिंट्स भी नहीं दूंगी, मैं सीधे बता दूंगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, और ये है बिरयानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि बिरयानी किसको नहीं पसंद। एक और चीज है मैं आपको बता देती हूँ कि वेजिटेबल बिरयानी को मैं बिरयानी कंसिडर नहीं करती, बिरयानी नहीं है वो पुलाव है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप वेज बिरयानी बोल के खा ही लेते हैं तो ओके फाइन। लेकिन बिरयानी सबसे पहले कहाँ और कैसे बनी थी इसकी कहानी भी जाननी चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। बिरयानी नाम एक पर्शियन वर्ड बिरयान से उसका इजाद हुआ था, जिसका मतलब है फ्राइड बिफोर कुकिंग, मतलब बनाने से पहले उसको किया जाता है फ्राई, तो वैसे बिरयानी का नाम पड़ा गया। अब आमतौर पर आप सोचेंगे कि इसकी कहानी पर्शिया से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, इसको एक मुगल एंगल दिया हुआ है। मुमताज महल, जानते हैं आप कौन है, हमारी शाहजहां की वाइफ, जिनके नाम पर उन्होंने ताज महल खड़ा कर दिया है। मुमताज महल एक बार अपनी सेना से मिलने जाती है और उनको अपनी फौज को देखकर यूं ही लगता है कि वो अंडर नरिश्ड है, मतलब थोड़े उनको ना पोषण नहीं मिल रहा ढंग से, और जो उनको चाहिए होता है एक पूरी जंग लड़ने के लिए, उस हिसाब से उनको खाना मिल नहीं रहा, पोषण नहीं मिल रहा उनकी बॉडी को। तो फिर उन्होंने अपने खानसामन से एक ऐसी चीज बनाने के लिए कही जिससे उनका पेट भी भरे और पोषण भी बराबर मिले। क्या बनाया उन्होंने फिर सोचिए, वो था बिरयानी। एक और कहानी है इसकी, वो कहानी ये है कि ओन शुरू करके एक राइस की एक डिश थी जो तमिलनाडु में बहुत फेमस थी और 2 AD के दौरान मौजूद थी, मतलब बहुत साल पहले। घी, मीट, हल्दी, धनिया, पेपर और तेज पत्ता मिला के ये एक चावल की डिश बनाई जाती थी और हो सकता है कि वो ओन शुरू को ही बिरयानी में तब्दील कर दिया था वक्त के साथ साथ। एक और कहानी ऐसे जुड़ी हुई, तैमूर करके एक रूलर थे, वो कजाकिस्तान से इसे नॉर्थ इंडिया में लेकर आए, मिट्टी के बर्तन में पकाया और मिट्टी के बर्तन में ऐसे पकाया कि उस मिट्टी के बर्तन को ना जमीन में गाड़ के पकाया, और फिर जब उस बर्तन को बाहर निकाला जाता है और गर्मा गर्म चावल, इतनी खुशबूदार चावल जब उस मिट्टी के बर्तन से बाहर आती है और प्लेट में सर्व करी जाती है, तो क्या स्वाद आता है ना। पहले के जमाने में कैसे बिरयानी पकती थी मैंने आपको बताया, लेकिन आज के जमाने में भी जो बिरयानी पकती है वो एकदम आपको ना अंदर से ललचा देती है ना कि यार आज बिरयानी खा लेते हैं रात में। तो आपका क्या प्लान होने वाला है बिरयानी खाने का, है कि नहीं? खैर मुझे बता देना radioudan@gmail.com पर। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है स्वाद से भरी तो वो भी लिख कर भेज दीजिए। सुनते रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Thank you.
नज्म नज्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू। जानिया ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं हूं आपके साथ बांसुरी, लेकिन अब मुझे होगा जाना क्योंकि एक घंटा खत्म हो चुका है, मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मेरे जाते साथ ही शुरू हो जाएगा उड़ान आइडल सीजन 3, जिसको आपको सुनना है। जी हाँ, यहीं पे बैठे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना, मुझे जाना है। अगर आपको मेरे शो का फीडबैक देना है या फिर किसी के भी शो का फीडबैक देना है तो आप radioudaan.com पर जाकर फीडबैक दे सकते हैं, नहीं तो radioudaan@gmail.com पर हमें मेल भी लिखकर भेज सकते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते ठीक इसी समय, सैटरडे रात 8 से 9, संडे दोपहर 3 से 4, याद रहेगा। तब तक सुनते रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, दिस इज मी बांसुरी साइनिंग ऑफ सेइंग गुड बाय, और अपना ख्याल जरूर रखें, बहुत जरूरी है, बाय बाय।